दो साल से ज्यादा हो गया है और आजम खान जैसे कद्दावर नेता को जिस तरह के मुकदमों में जेल में रखा गया है तो मुझे शर्म आती है इस देश के इस लोकतांत्रिक ढांचे पर। जो इंसान संसद का सदस्य रहा है, भारत की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है, कितने बार मिनिस्टर रहा है, कितनी बार एमएलए रहा है, कितने लोगों की खिदमत की है, मुझे आज आजम खान को देख करके बहुत अफसोस हुआ और उनकी हालत देख करके जिस तरह से उन्हें जेल में रखा गया है मुझे बहुत दुख हुआ। एक छोटा सा कमरा और ना उसमें चारपाई, ना उसमें कोई खाट, ना उसमें तख्त, ना उसमें कोई अच्छा बिस्तर, ना उसमें कोई गद्दा, फोम का गद्दा भी नहीं, जूट का गद्दा भी नहीं, टाट का एक बिछौना, दरी, गंदा सा फर्श, उसी के पास बाथरूम खुला और पूरी आसपास की बैरंग में कोई नहीं, सन्नाटा। बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं कि राजनीतिक विरोध और राजनीतिक विरोधी होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे निजी दुश्मनी के रूप में लें। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, ये मानवता के खिलाफ है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री साधु हो, सन्यासी हो, एक योगी हो, वहां किसी शरीफ इंसान के साथ ये बर्ताव हो, ये ठीक नहीं है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आजम खान साहब के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं, जो झूठे मुकदमे हैं, फर्जी मुकदमे हैं, क्या ये सोचा जा सकता है कि आजम खान जैसा इंसान बकरी चुराता हो? क्या आजम खान मुर्गी चुरा सकते हैं? क्या आजम खान किताबें चुरा सकते हैं? आजम खान मिनिस्टर हैं और रामपुर के अंदर जा रहे हैं और अपनी गाड़ी से उतर के शराब के ठेके में से शराब की बोतल चुरा सकते हैं? ये क्या है? क्या ये संभव है? आजम खान के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं और इन मुकदमों में दो साल से ज्यादा उनकी जमानत नहीं होने दे रहे, एक साल से ज्यादा उन्हें कोरोना में बीत गया, अभी बता रहे थे कि उनको शुगर भी हो गया है, हाइपरटेंशन का वो इलाज उनका चल रहा है, उनके दांत में दर्द है, बेहद तकलीफ में है। तो आज उनसे मिलकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। आचार्य जी, आजम खान से मिलने कल समाजवादी पार्टी के विधायक भी गए थे, रविदास मल्होत्रा, पर आजम खान ने उनसे मिलने से इंकार कर दिया, जबकि दो दिन पहले शिवपाल से मिले, आज आपसे भी मिले हैं, तो ऐसा क्या है कि वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से नहीं मिल रहे? मुझे लगता है कि आजम खान साहब पर जब ये संकट आया, ये मुसीबत आई, तो उन्हें उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उनका साथ देगी, लेकिन वो ये भूल बैठे थे कि समाजवादी पार्टी ने जब मुलायम सिंह जी के साथ ही अच्छा सलूक नहीं किया, नेताजी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो आजम खान साहब के साथ क्या अच्छा सलूक होगा? और उसका नतीजा ये है कि आजम खान साहब ने खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए मना कर दिया। जब इंसान का दिल दुखता है, इंसान के ऊपर मुसीबत आती है, संकट आता है, तो उसे उम्मीद होती है कि मेरे जो अपने हैं, मेरे जो सपोर्टर हैं, मेरे जो घर वाले हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो मेरा साथ देंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजम खान के दिल को ये तकलीफ पहुंची है। आजम खान को लगता है कि समाजवादी पार्टी ने मुसीबत के इस वक्त में उनका साथ नहीं दिया।
अखिलेश हालांकि लगातार कह रहे हैं कि आजम के साथ हम खड़े हैं, प्रदर्शन करेंगे, धरने करेंगे, सड़क से सदन करेंगे। आजम खान का आपसे बातचीत हुई है, आजम खान का क्या सोचना है अखिलेश को लेकर? बात तो काफी हुई है लेकिन उनको सार्वजनिक करना मुनासिब नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी आज जो भी कह रहे हैं या कल जो भी कहेंगे, अब उसके कोई मायने नहीं बचे हैं। आजम खान 2 साल से ज्यादा हो गया जेल की तन्हाई की कोठरी में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कितने धरने समाजवादी पार्टी ने किए, कितना प्रदर्शन किया, एक बयान तो बताओ। और मेरे कहने से थोड़ी आप मान लेंगे, आजम खान बहुत बड़े नेता हैं, आजम खान के ऊपर जो जुल्म हुआ है और जो जुल्म सहा है आजम खान ने, वो खुद महसूस करते हैं। अगर ये बात सच ना होती तो वो अपनी पार्टी के नेताओं से मिलने से मना क्यों करते? मुझे लगता है कि शीशे में बाल आ गया है।